नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। यहाँ से आप देख सकते हैं गांव कुछ ऐसा हमारा दिखता है, और यहाँ नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ से इस महीने आग से की जा रही है, तो ऐसे हाल है हमारे पहाड़ों के। ये कांटे टाइप के आपके नजर आ रहे हैं ना, तो यही बॉडी पे चुभते हैं और फिर करंट जैसा लगता है, झस हो जाता है। तो दरवाजे जो हैं वो आप देख सकते हैं रस्सी के सहारे खड़े कर दिए हैं, अब बारी है फटाफट चिनाई करने की। तो ऐसा कुछ नक्शा है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ कमरों तक का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बजने वाले हैं और एक बार फिर अपनी नई मकान वाली जगह से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आजकल धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि छाया पे आके ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है, और साथ साथ में यहाँ पर धुआं भी उड़ रहा है क्योंकि ये देखिए मिस्त्री लोगों ने सुबह सुबह खाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, चूल्हे में दाल चढ़ा दी है। और आज सुबह सुबह आज का जो पहला काम है मिस्त्री लोगों का, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा है वो आज लगाएंगे, और साथ साथ में चिनाई भी चालू हो चुकी है। ये आप देखिए इस साइड की इतनी हो गई है, और थोड़ा थोड़ा करके चारों साइड से दीवारें भी तैयार हो रही हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। इंटर कॉलेज में पहुंच गया हमारा गोलू भतीजा भी। कैसा लगा था? अच्छा अच्छा लग रहा है, कुड़ियों से डर तो नहीं रहा है? पक्की बात। तो ये देखिए हमारे इंटर कॉलेज की जो ड्रेस है वो कुछ ऐसी है, और गोलू ने आज पहली बार पहनी ना ये वाली ड्रेस। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बड़ी स्कूल में है, अभी तक प्राइमरी स्कूल में था। और क्या पढ़ाया था आज? याद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पहले पहले दिन कुछ ध्यान नहीं रहता। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर, पार्टी पड़ेगी आज। ठीक है, पकोड़े बना। तो दरवाजे जो हैं वो आप देख सकते हैं रस्सी के सहारे खड़े कर दिए हैं, अब बारी है फटाफट चिनाई करने की, क्योंकि अगर चिनाई जल्दी जल्दी नहीं होती है तो हवा काफ़ी तेज़ हो रही है, और जो चिनाई है वो सिंगल ईंट की है, तो फिर दरवाजों के साथ साथ दीवार भी नीचे गिर सकती है। इसीलिए काम फटाफट होना चाहिए और हवा कम होनी चाहिए। और भाई साहब क्या सोच रहे हैं? क्या देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ काम। ठीक है ठीक है, तो भाई साहब बहुत जल्द आपको इस काम को करते हुए देखने को मिलेंगे। इसी पे? हाँ इसी पे। और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो घुघती पक्षी है वो कितने प्यारे तरीके से बैठी हुई है टहनी में छाया पे। हेलो, देख रही है मुझे, कहीं खतरा तो नहीं है मेरे लिए वाली है। हेलो हेलो हेलो। तो अभी खाना खाने का समय हो चुका है, तो मिस्त्री लोग भी काम करके अब खाना खाने की तैयारियों में थे, तो मैंने सोचा मैं भी घर चले जाता हूँ, हमारा भी खाना तैयार हो चुका है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बापू जी। हेलो गाइस। तो बापू जी ही हमारे घर में स्वादिष्ट दिन का खाना बनाते हैं ज़्यादातर। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज खाने में एक बार फिर लाल चावल वाला भात बना हुआ है, उसके साथ मिक्स दाल है और अचार और पानी। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं, और आज काफ़ी दिनों के बाद जो मौसम है वो शाम के टाइम पे भी ठीक ठाक है। नहीं तो पिछले लगभग 1-1.5 हफ्ते से मैं आपको जैसे दिखा रहा था कि शाम जैसे हो रही थी, दिन में खाना खा रहे थे, तो उसके बाद मौसम पूरा चेंज हो रहा था और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है बारिश का। लेकिन अभी देखिए आज एकदम चमचमाती हुई प्यारी सी धूप लगी हुई है, और इसी धूप के साथ एक बार फिर मैं चल पड़ा अपनी नई मकान वाली जगह पे, वहाँ पर देखते हैं कुछ काम धाम करते हैं।
और अभी आप देख सकते हैं मिस्त्री लोगों ने कितना काम कर दिया है। लगभग जो दीवार है वो आधे दरवाजे तक चिनाई कर दी है, आगे से भी, इधर बीच की भी, उधर की भी, और यहाँ पीछे की भी। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ की तो सुबह ही लगभग ये हो गई थी। तो मिस्त्री लोग भी अपने घर की ओर चले गए हैं, क्योंकि जो हमारे ठेकेदार साहब हैं, हेड मिस्त्री साहब हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, तो इसीलिए आज उनकी छुट्टी भी जल्दी हो गई है। और अब वो शायद आपको देखने को मिलेंगे सीधे 4 से 5 दिन के बाद, क्योंकि शादियों का सीज़न आजकल चल रहा है, तो उनके परिवार में भी शादी शुदी है, तो फिर ऐसे माहौल में छुट्टी करनी ही पड़ती है। मतलब ऐसे में वो कैसे आएंगे घर में शादी और फिर ऐसे आएंगे, तो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अब वो आएंगे सीधे बस 4 दिन बाद, ऐसे ही कुछ बोल के गए हैं। तो जो भी होगा, ऐसा भी है कि कल आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कल का फिक्स नहीं है, बल लेकिन अगले 3 दिन तो वो छुट्टी पर ही रहेंगे। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर माँ और उधर बापू जी। हेलो भाई। तो माँ और बापू जी यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर हैं इनको इकट्ठा कर रहे हैं और एक साइड पे लगा रहे हैं ढेर लगा के, क्योंकि पोस्ते के लिए हमने ये पूरी दीवार तोड़ी थी, पोस्ता तो अपना कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अभी इतने पत्थर बस गए हैं। तो यहाँ पर तो अभी काफ़ी सारा काम होना है, तो ये मिट्टी मुट्टी पत्थर पत्थर सब साफ करने पड़ेंगे, और उसके बाद अभी और जो सामान आएगा शायद अब यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के लिए अब रास्ता ही नहीं बचा हुआ है। सामने हमने वो बना दिया है, लेकिन यहाँ के लिए हम दूसरा रास्ता निकालने वाले हैं। कहाँ से निकलेगा वो आने वाले टाइम पे आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल तो अभी जो भी सामान आएगा वो ऊपर जहाँ पर रख रहे थे वहीं पर रखेंगे खच्चर वाले भाई लोग। और अभी छत तो नहीं पड़ी है, लेकिन जितनी हाइट पे छत पड़ेगी उतनी हाइट पे मैं अभी खड़ा हूँ। और यहाँ से आसपास कैसा दिख रहा है थोड़ा आप लोग बोल रहे थे दिखाना हमको, और गांव भी दिखाना वहाँ से, तो मैंने सोचा दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल आगे आ रखा हूँ बरामदे के ऊपर में, तो यहीं पर आगे इसी हाइट पर अभी छत पड़ने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हैं गाँव कुछ ऐसा हमारा दिखता है, और यहाँ नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ से जो हमारे गांव के खेत हैं वो भी लग जाते हैं, और नीचे वहाँ पर ईंटें आपको नज़र आ रही है, तो वहाँ पर अनुष्का लोगों की मकान बनेगी, और साथ साथ में जो यहाँ पर ये जो बनी हुई है गौशाला, तो ये है हमारी लीला चाची लोगों की गौशाला। और बाकी यहाँ से कुछ ऐसे ही नज़ारे चारों साइड के देखने को मिल रहे हैं। और हमारे गाँव का जो सबसे नीचे वाला घर अभी तक है वो है दादी लोगों का, और अब जो नया बनेगा वो बनेगा अनुष्का लोगों का वहाँ पे, और हो सकता है भविष्य में नीचे इन खेतों में भी कोई बना दे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अभी चाची लोगों का ही सबसे नीचे यहाँ पर मकान है। तो जो ये मकान है, कहीं आप बोलेंगे कौन सी चाची कौन सी दादी, तो डुगो और खुशी आपने वीडियो में देखे होंगे, तो उनकी ये यहाँ पर मकान है। और यहाँ आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए हमारा एक नारंगी का पेड़ है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर बरामदे के आगे से है, तो हो सकता है इसको हमको यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना पड़े, क्योंकि बिल्कुल दीवार तक आ रहा है, बरामदे के अंदर तक घुस रहा है। बाकी उधर माल्टे का पेड़ है वो तो वहीं पर रहेगा, वहाँ पर भी बढ़िया नज़र आ रहा है। और उधर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी एक माल्टे का पेड़ है, ये उधर वाले तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इसका थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि इसको हमको यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ के लिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, इधर किचन है, इधर आगे पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है गैलरी टाइप की, और वहाँ उधर बन रहे हैं, उससे उधर हमारा जो बाथरूम होगा टॉयलेट होगा वो उसके उधर बनेगा, और बीच में आएगी यहाँ पर सीढ़ियाँ। तो ऐसा कुछ नक्शा है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ कमरों तक का, तो बनते बनते अभी देखो कुछ और भी नया बन सकता है, जब तक बना नहीं पहले मैं बोलूँगा तो वो भी अच्छा नहीं है, तो जब बन जाएगा धीरे धीरे जो भी यहाँ पर वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी खच्चरों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि फिलहाल अगर यहाँ पर
छत डालने का जो काम है वो फिलहाल हो जाए, बाकी तो जो भी बनेगा वो फ्यूचर की बात है। खच्चर वाले भाई लोग जा रहे हैं हमारे केदारवल, 20 तारीख के बाद ही वो यहाँ नहीं आने वाले हैं। और ये मेरे को चिल्ला रही है, क्या होगा रे? कुछ ने कुछ ने ना दे वो। तो चलो अब नीचे उतरते हैं, यहाँ आगे कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ भी सपोर्ट है नहीं। ये टिन है लेकिन टिन में नहीं जाऊँगा मैं, बस ऐसे ही ऊपर से चलते चलते ऐसे ही जाएंगे। और रास्ते में देखो हमको कौन मिला, रूबी। और रूबी को शायद कैमरा पसंद नहीं है इसीलिए इधर को देख रहा है। रूबी कट कट कट, रूबी कट कट कट, हेलो रूबी, हेलो 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 रूबी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद रूबी से हमारी मुलाकात हुई है। वैसे मैं मिलता रहता हूँ लेकिन वीडियो में कभी कभार ही रूबी आता है, इधर उधर भाग जाता है मेरे को देख के। अभी मेरे को मिला तो मैंने सोचा वीडियो में भी रूबी को ले आते हैं, क्योंकि हमारे गांव का स्पेशल कुत्ता है रूबी भी, जो कि काला नहीं है, भूरा है, भूरा। ओ भूरा, इसका नाम भूरा ही रखना था, रूबी गलत रख दिया नहीं। हेलो आजा सो जा, ठंडा हो रहा है, ठिठुर रहा है वो। ओह ले ले ले। तो चाची का कुत्ता है तो वो चाची के पास वापसी भाग गया और चाची के साथ खेल रहा है, देखो। ले 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 ले, हेलो ले 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 ले। बु 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 बु, ले 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 ले। भाग गया ऊपर, ले ले। और उसको देख के ऊपर देखो टाइगर कैसे भौंक रहा है, और वो चाची के साथ ही फिर वापसी चले गया। चल बल घर। ले 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 ले। वाह 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 वाह, मस्ती आ रही है उसमें। ले 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 ले, घास भी खा रहा है। ले ले। और अभी जो रूबी है वो घर जाने के बजाय गया सामने खेत में, और उसको कंडाली कुंडाली शायद बिच्छू घास लग गई है, तो काऊ काऊ कर रहा है, चल भी नहीं पा रहा वो सही से। तो चाची अब उसको अब गोदी में उठा के लेके आने वाली है। ये देखो, ले ले ले, हेलो। पक्का बिच्छू घास उसको लगी होगी, क्योंकि भोटू को भी लगती है, तो वो भी ऐसे ही करता, काऊ काऊ रोता रहता है और फिर नीचे भी लगता अपना पैर। ले 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 ले, हेलो, चला जा। चलो अभी तो अच्छा खासा चल रहा है। बाय 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 बाय, टाटा टाटा, हो गया टाटा, कल मिलेंगे, बाय बाय जा। ए चाची, किस सोच में डूबी हो? हाँ सर, हाथ जम गया यार। ए हे, चाची को भी बिच्छू घास लग गई वाल। आज कनाल भूख लगी भयंकर, ध्यान कहाँ था? था यार खोरा नहीं दिखान सो सो। ए हे, सुकन बैठता था ये सो चंपा के डेड़ी। चलो कोई बात नहीं। हाँ यार, चलो तब घर। हाँ यार, हो अभी उड़ में आवो। और बिच्छू घास जैसे चाची को लगी, और मैं बोला था कि जो चाची लोगों का कुत्ता है रूबी, उसको भी लगी है, तो
तो इसका दर्द सिर्फ पहाड़ी ही जान सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहाड़ों में ही कंडाली बिच्छू घास होती है। अगर शहरों में भी होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पहाड़ के बच्चों के अंदर ना जो कंडाली बिच्छू घास है उसका बहुत ज़्यादा डर रहता था। बचपन में हमको उसी कंडाले से डराते थे कि अगर तुमने सही से काम नहीं किया या कहना नहीं माना तो तुमको कंडाले लगाएंगे, बिच्छू घास लगाएंगे, और बिच्छू घास गलती से भी लग जाए तो पूरी बॉडी झंझना जाती है। अजीब जैसा इसका दर्द होता है और लगभग बोलते हैं 24 घंटे तक इसका जो बॉडी में करंट टाइप का झंझना टाइप की है वो रहती है। और बिच्छू घास नज़दीक से मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये है बिच्छू घास, और इस पे जो ये कांटे टाइप के आपके नज़र आ रहे हैं ना, तो यही बॉडी पे चुभते हैं और फिर करंट जैसा लगता है, झस हो जाता है और पूरी बॉडी पे दाने दाने टाइप के भी हो जाते हैं अगर ज़्यादा ही लग गए तो। ये देखो कितने ख़तरनाक सफ़ेद सफ़ेद कांटे हैं इस पे, तो इनसे ही डरते हैं। और जो ये कंडाली है नई नई है तो ऊपर से काट के इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। हमने तो खुद नहीं खाई है ये सब्जी, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं देखता हूँ कई लोग इसकी सब्जी बनाते हैं और बड़ी टेस्टीबल इसकी सब्जी होती है। और अब गर्मियों में तो नहीं खाएंगे क्योंकि काफ़ी गर्म ये चीज़ होती है, सर्दियों में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है या बरसात के टाइम पर काफ़ी यूज़ करते हैं कंडाली की सब्जी पहाड़ों में। पहले बहुत करते थे लेकिन अब के लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज घर पे कुछ काम था नहीं तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ शाम के टाइम पे अपने खूबसूरत से पंगरौली स्टेडियम में। मैंने सोचा अपने भाई लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होंगे, लेकिन क्रिकेट क्रिकेट यहाँ पर कुछ चल नहीं रहा है। बल्कि यहाँ दिखाऊँ लक्की, कार्तिक, अंकी भाई, यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब और नितिन भाई साहब आग का आनंद ले रहे हैं। इस महीने आग सेकी जा रही है तो ऐसे हाल है हमारे पहाड़ों के। ठंडा हो रहा नितिन भाई? इन्जॉय के लिए। अच्छा, इन्जॉय के लिए। हाँ तो सही में ठंडा तो अभी भी हमारे पहाड़ों में काफ़ी है, इसीलिए कुछ यहाँ पर आग सेक रहे हैं। कुछ मैं आपको थोड़ा वहाँ नीचे लेके चलता हूँ तो वहाँ पर भी आग सेकी जा रही है, और आग सेकने के साथ साथ कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं रोहित, प्रियांश भाई और यहाँ पर हिमांशु भाई, तीनों लगे हुए हैं। कौन सा गेम चल रहा है? हाँ हाँ, वो देखो ठम ठम मार रहा है वहाँ, इसने तो बाल सही कर दिए। लेकिन यहाँ दिखाऊँ, यहाँ देखो रोहित भाई ने भी एक लंबी सी चुटिया छोड़ दी है। जब स्कूल जाएगा तो फिर ये चुटिया कट जाएगी रोहित भाई, तब भी नहीं कटेगी। चलो बढ़िया बात है, देखते हैं कितनी लंबी रहती है और मेरे से बड़ी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। कैसा लग रहा है रोहित भाई, जरा कमेंट करके आप बता सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार। और आपका कौन सा गेम चल रहा है? हार गया? अबे मार 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 मार। तो यहाँ पर अच्छी आग जली हुई है और वहाँ पर भी आग जली हुई है, तो थोड़ा यहाँ पर और थोड़ा वहाँ पर आग का हम आनंद लेते हैं। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद तो अंधेरा हो ही जाएगा। मैं सोच के आया था क्रिकेट खेलूँगा बहुत दिनों के बाद, लेकिन क्रिकेट खेलने को मिला ही नहीं।